हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चे निराश हो चुके हैं। ऐसे हजारों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर कि हम बहुत पूरी तरह से डिप्रेस्ड हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिल्कुल भी ऐसे किसी भी काम को करने से बचें जो आपके लाइफ के लिए हार्मफुल हो, और ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। क्योंकि दोस्तों, ये रिजल्ट बस एक रिजल्ट है, इट्स जस्ट अ नंबर। क्योंकि ये नंबर आपके लाइफ को निर्धारण करने वाले नहीं है, और ना ही आपके लाइफ को जस्टिफाई करने वाले हैं। अभी आपके आने वाली लाइफ में ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो और वो अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। दोस्तों, मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल बता सकता हूं जो क्लास 10 और क्लास 12 में बिल्कुल भी जिनके नंबर नहीं आए, आज वो बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट में आईएएस है, पीसीएस, आईआरएस है। आप अपने ज़िंदगी के गोल डिसाइड कीजिए और उस गोल के पीछे आप ही से लग जाइए। क्योंकि जब किसी को एक बार ठोकर लगती है तो उस ठोकर से दोस्तों संभलने की कोशिश करता है, ना कि दोबारा गिरने की कोशिश करता है। तो आप अपनी लाइफ को इतना कम ना समझें, लाइफ बहुत प्रीशियस होती है। हर किसी को अपने लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जब पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन जो टूटने के बाद उभरता है दोस्तों, वही सच्चा एक फाइटर होता है। तो दोस्तों, आपको फाइटर बनना है, आपको दोबारा से गिरना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो क्लास 10th मानता हूँ कि जो क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट है, आपकी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव होता है। हर विद्यार्थी के लाइफ में ये वो दिन होता है जो उसकी पूरे 12 साल की मेहनत का एक, हम कहते हैं कि हमारे पूरे 12 साल की मेहनत का फल होता है। बट जब आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, स्कूल की गलती की वजह से आपके नंबर कम आए, तो उस स्कूल की गलती का खामियाजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती कर रहा हूँ और इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी प्रकार के पैनिक में ना आए और अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आपको बहुत कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना मेरे यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती हैं मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी तरीके से शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि कोई भी इस रिजल्ट की जो खामियां हैं उसकी वजह से अपने आप को निराश ना करें। अभी बहुत से मौके आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक